आज तक का सबसे बेस्ट शेविंग फोम इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको ये क्यों यूज करना चाहिए ये भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, आजकल के कोरोना वाले माहौल के वजह से हम नहीं जाते हैं सलून, जिसके कारण हम जैसे बहुत से समझदार लोग घर में ही दाढ़ी करते हैं या फिर घर में ही बियर्ड्स को कट देते हैं। तो बियर्ड्स को कट कैसे देना है वो वीडियो आप मेरे लिस्ट में जाके देख सकते हो, बट फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ फोम और शेविंग क्रीम के बारे में। जब आप कोई भी शेविंग क्रीम यूज करते हो दोस्तों, जब आप घर में दाढ़ी करने वक्त कोई भी शेविंग क्रीम यूज करते हो, तो शेविंग क्रीम क्या रहती है मालूम है, आपके चेहरे पे माइल्ड नहीं रहती है और जब आप उसके ऊपर ब्रश घुमाते हो तो आपके स्किन को डैमेज हो सकता है दोस्तों, बहुत बार डैमेज होता है। और जब उसके ऊपर आप वही क्रीम के ऊपर ब्लेड जब घुमाओगे तो आपको कट्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से जलनपन, रेडनेस, रैशेस और बहुत से तो दोस्तों ऐसे शेविंग क्रीम्स है जिनमें पता नहीं क्या केमिकल यूज होता है, बट शेविंग के बाद, शेविंग के टाइम अच्छा दिखेगा बट शेविंग के बाद क्या होगा, वहां की स्किन जो है वो काली पड़ जाती है। पर्सनली मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब प्रॉब्लम अगर आपको हटानी है तो आपको आपके लाइफ में एक ऐसा शेविंग फोम चाहिए होगा जो डायरेक्टली आप यूज करो और शेव करो, ताकि आपको जो बियर्ड्स है, मतलब आपकी जो शेविंग है वो अच्छे से हो और उसके साथ साथ जो आपका लुक है वो भी एकदम दमदार हो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेविया के फोम के बारे में, नेविया मेन के फोम के बारे में, जो एकदम माइल्ड है आपके स्किन के ऊपर, बिकॉज ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, एग्जैक्टली मीडियम जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो है, ताकि जब आप आपके स्किन के ऊपर लगाते हो, जब आप ब्लेड घुमाओगे तो कट्स के चांसेस कम होंगे। बिकॉज क्या है दोस्तों, ये आपके स्किन के ऊपर मक्खन के जैसा काम करेगा। और एक बात, वो जो कालापन आता है ना शेविंग क्रीम यूज करने के बाद, आप देख सकते हो मेरा यहाँ का एरिया पहले बहुत काला था, बिकॉज मैं शेविंग क्रीम यूज करता था जिसमें जो लो क्वालिटी की शेविंग क्रीम थी और जिसमें न जाने क्या क्या मिलाया था, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है वो काला पड़ गया था। बट अभी फोम यूज करते करते धीरे धीरे अभी वो वाइट हो रहा है। अब ये नेविया का जो फोम है, इसमें एक और बात कहना चाहूंगा कि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छा है, भले वो परफ्यूम फ्रेग्रेंस है बट एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको ये भी कहना चाहूंगा कि फोम के साथ साथ अगर आप नेविया का नॉन अल्कोहलिक आफ्टर शेव लगाओ तो वो भी अच्छा है, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके मेरे लिस्ट में देख सकते हो। यहां पे मैं एक फोम की बात कहना चाहूंगा दोस्तों, फोम आता है बॉटल के फॉर्म में, तो आपको निकालने के लिए बहुत इजी पड़ेगा, बिकॉज जस्ट एक बटन दबाना है, बट वो थोड़ा सा स्लो ही दबाना, बिकॉज क्या होगा, आप ज़्यादा देर बटन दबाओगे तो फोम ज़्यादा बाहर निकल आएगा। और फोम इस्तेमाल होने के बाद आप ये ट्राई कीजिए कि वो जो वाइट वाला ढक्कन है ट्रांसपेरेंट सा, उसको धो के प्रॉपरली आप लगा दीजिए और ये फोम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। रेडनेस नहीं देगा, इचीनेस नहीं देगा, वो ड्राइनेस नहीं देगा। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि वो जो दमदार लुक शेविंग के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो, वो मज़ेदार वाली फीलिंग, फ्रेशनेस वाली फीलिंग ये ज़रूर देगा। दोस्तों, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है कि शेविंग क्रीम जो आप यूज कर रहे हो वो प्रॉब्लम दे रही है, आपको हो रही है साइड इफेक्ट्स जो शेविंग क्रीम आप यूज कर रहे हो, तो अभी के अभी नीचे दिए गए लिंक पे जाइए और नेविया मेन का शेविंग फोम खरीद लीजिए और इसका आनंद उठाइए। और अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी राय बताएं कि क्या आप इस प्रोडक्ट के पीछे एक्सपीरियंस कर रहे हो, और साथ ही साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी भाई को फॉलो कर दो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। इट्स रोहन वाक्चरे साइनिंग ऑफ।